लक्ष्य एक होता है साथियों, और रास्ते अनेक होते हैं। कभी कोई रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलिए, लक्ष्य नहीं। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अडिग है तो आपकी मंजिल आपके सम्मुख एक दिन जरूर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोआरबी में। साथियों, आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन, मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। कैसा रहेगा आपका प्यार प्रेम, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ, आपका विदेश गमन, कैरियर, बिजनेस, और आपका जो है अनेकों तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है उन सभी का मैं जवाब दूंगा। साथियों, ये जो प्रोग्राम है ये चंद्र राशि पर आधारित है, और चंद्र राशि पर यदि आपको जो है अपनी राशि का पता नहीं है, अपना डेट ऑफ बर्थ जन्म टाइम पता नहीं है, तो आप अपनी जन्म राशि या जन्म नाम, आपको राशि पता नहीं है न जन्म का टाइम पता है, तो आप अपनी जो नाम है आपका नाम राशि पर भी आप अपना प्रेडिक्शन देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो आज का जो कार्यक्रम है ये मैं लेकर के आया हूँ कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए कि आपकी राशि पर किस तरीके से और कैसे शनिदेव यानी कर्म फलदाता शनिदेव की साढ़े साती का तृतीय चरण आपकी राशि पर चल रहा है और आपकी राशि के लिए क्या फल देने वाला है, और शनि ऊपर से वक्री भी हैं और आपके जो शनिदेव हैं, जब आपका अक्टूबर माह शुरू होगा तो आपकी जो ग्रहों की दशाएं हैं, ग्रहों की जो युति है, कुंडली में आपके ग्रह कैसे विराजमान होंगे, तो वो उस तरीके से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जन्म चार्ट आपके सम्मुख है, आपका जो है लग्न में शनिदेव कर्म फलदाता विराजमान है अपनी स्वराशि में, बहुत ही सुंदर। और आपका जो है प्राकर्म भाव में यानी थर्ड हाउस में आपका जो है गुरु और राहु विराजमान है, वहीं आपका जो है सेवंथ हाउस में जो है सिंह राशि का शुक्रदेव विराजमान है, और आपके अष्टम भाव यानी एट्थ हाउस में जो है सूर्य मंगल और बुध देव विराजमान हैं, और आपके भाग्य स्थान यानी नाइन्थ हाउस में आपका तुला राशि का केतु विराजमान है। तो ये इस तरीके से आपकी ग्रहों की युति है साथियों। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शरीरे रक्षितो व्याधि, यानी अपने शरीर की जो रक्षा है वो समस्त व्याधियों से करनी चाहिए। स्वास्थ्य परम धन है साथियों, आपकी जो स्वास्थ्य है, आपका जो शरीर है वो आपका परम धन है, यानी धन भी इसके सामने कुछ नहीं है। यानी संपूर्ण तरीके से एन केन प्रकार से सबसे पहले अपने शरीर को सुंदर रखें, अपने शरीर को सारी बीमारियों से बचा के रखें, अपने शरीर को रुग्ण ना होने दें। तो आपका जो है यानी लग्न भाव जो है साथियों, इससे हम आपके जो है शरीर के बारे में भी बताएंगे। यानी आपका कुंभ राशि का शनि है तो स्वास्थ्य आपका जो है 65% और 75% अच्छा रहेगा, और भी अच्छा रहेगा यदि आप योगा करते हैं, सुबह के टाइम 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहने वाला है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए जो है थोड़ा सा जो है, यदि आप जो है बाह्य जंक फूड से बचते हैं, अपना खान पान ऑयली चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि का जो शनि है वो शनि स्वयं में वहाँ विराजमान है और अपने जहाँ पर शनि बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। यदि जिन लोगों का शनि कष्टी है उनके लिए उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं दिक्कत में रहेगा, कष्टी रहेगा, तो इसलिए जो है आप शनि का पूजन जरूर करें। आपका जो है पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र कैसा रहने वाला है, तो पढ़ाई का जो मालिक है साथियों पंचम भाव ही होता है पढ़ाई का, तो पंचम भाव का जो मालिक है वो बुधादित्य योग बना करके कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में यानी एट्थ हाउस में। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो 19 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जो है कहीं पर यदि
आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप खुशी खुशी भर सकते हैं, आप उसमें लायक भी रहोगे, आगे भी बढ़ जाओगे, तो आप इसमें कर सकते हैं। यदि आप जो है कहीं पर फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटिव, तो वहाँ पर भी आप वो भी कर सकते हैं। यदि आप जो है किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई से रिलेटिव कहीं पर भी या अपनी जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका फॉर्म फिल करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई का जो कारक है वो बुध और बुधादित्य योग बना करके बैठा हुआ है और पंचम भाव का मालिक है और पंचम भाव आपकी पढ़ाई का होता है। तो आपने जो है गंग गणपते नमः का जाप जरूर करना है और अपनी कार्य सिद्धि पर निकलना है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका फॉर्म फिल करना, आपका पढ़ाई में मन लगना और आपको जो है पढ़ाई करते समय मूड चेंज ना हो और आपका जो है मन भ्रमित ना हो और आपको याद रहे जो आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए गंग गणपते नमः की एक माला जरूर करें और सरस्वती माता का ध्यान जरूर कर लें। वहीं अब चलते हैं कैसे रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ का जो कारक ग्रह है वो क्या है, सूर्यदेव है वहाँ पर, और सूर्यदेव क्या है, लॉर्ड ऑफ किंग, यानी ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव वहाँ पर विराजमान है और वहीं शुक्रदेव विराजमान है, और शुक्र जो है प्यार प्रेम का कारक होता है। तो आपका जो है जो समय है ये कब तक सही रहेगा, यानी 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें सामंजस्य रहेगा, उठा पटक रहेगी, मन भ्रमित रहेगा और थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है और आपको जो है भ्रमित की स्थिति रह सकती है, मन भ्रमित हो सकता है और शंका मन में हो सकती है और अपने पार्टनर के प्रति कहीं ना कहीं आप जो है मन में भ्रांति पाल सकते हैं, तो ये दिक्कत ना हो और आपका पार्टनर भी आपके प्रति भ्रांति रख सकता है। तो ये स्थिति जो है 17 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगी और 17 अक्टूबर के बाद आपका जो प्यार प्रेम है बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत शुभ रहेगा, आपको जो है किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपका जो है दोनों का जो सामंजस्य है बहुत अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर का आपका, तो आगे की जो आपकी लव लाइफ है बहुत सुंदर चलेगी। और जिन लोगों को लव लाइफ में नहीं थे, जिन लोगों को प्यार प्रेम नहीं था, उनका भी जो है प्यार प्रेम मिलने के 17 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे आसार हैं। और आप लोग जो है अपने मन को जो है केंद्रित रखें और बेवजह की जो भ्रांतियां हैं उनको मन में ना पालें, तो आपका जो है लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अब वहीं आपका जो है आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरीके से है, तो दोनों में यानी दोनों की जो युति है आपसी, पति पत्नी की जो युति है वो भी शुभ रहेगी, क्योंकि शुभ इसलिए साथियों क्योंकि वहाँ पर शुक्र है और ये जो है 17 अक्टूबर के बाद शुभ रहेगा तो कष्ट रह सकता है, और 17 अक्टूबर तक स्वास्थ्य कष्ट रहेगा, उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दिक्कत आ सकती है, परेशान रह सकते हैं। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टनर का स्वास्थ्य खराब होने से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक कष्ट हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति जो है 17 अक्टूबर के बाद सही हो जाएगी। वहीं अब चलते हैं आपके जो है भाग्य कैसा रहेगा आपका, तो भाग्य भवन का जो मालिक है वो शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह कहाँ विराजमान है, सूर्य के घर में, तो आपका जो भाग्य भवन है ये आपका अच्छा होने वाला है। वो जो है 17 यानी 19 अक्टूबर के बाद आपका जो भाग्य भवन है बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कोई भी आप जो है जगह जमीन भूमि भवन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, आपका जो है व्यापार से संबंधित, विदेश गमन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित और टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या ऑयल और गैस के क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र में यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जगह जमीन खरीदते हैं और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, सोच समझ करके अपना जो है कार्य करना होगा ताकि जो है आपका जो भाग्य है वो आपका साथ दे और आगे भी युति आपकी अच्छी रहे। तो इसके लिए जो है आपने तत्पर रहना है और अपना कार्य सोच समझ के करना है तो आगे की युति बहुत अच्छी रहेगी। वहीं आ जाते हैं आपके करियर के क्षेत्र में, तो करियर का जो मालिक है साथियों वो बैठा हुआ है अष्टम भाव में, मंगल ग्रह अष्टम भाव में जो है विराजमान है, तो करियर के लिए भी आपका अच्छा होने वाला है, करियर का जो क्षेत्र है आपका वो शुभ रहेगा, आपकी जो सोच है जिस कार्य के लिए सोचोगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी।
तो मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए आपको जो है मंगल का पूजन जरूर करना है, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना है, हनुमान जी का चोला एक मंगल को जरूर चढ़ाएं, तो आपका मंगल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आगे बढ़ जाते हैं साथियों, आपका आय जो क्षेत्र है, आय क्षेत्र का मालिक जो है पराक्रम भाव में जो है गुरु चांडाल योग बना करके बैठा है और 30 अक्टूबर के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो राहु आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा और इसके साथ साथ में बृहस्पति देव भी आपको कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि पाप ग्रह क्षण रुष्टा और क्षण तुष्टा, तो आपका जो राहु है वो आपकी युति को अच्छा बनाएंगे और आपको कुछ दे करके जाएंगे। यदि आप जो है पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को आदर देते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। तो राहु देव जो है 30 अक्टूबर से पहले आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि गुरु चांडाल योग समाप्त होगा। वहीं आपका लग्न में शनिदेव है और शनिदेव की जो 7.5 का चक्र चल रहा है, वो उसका तृतीय चरण आपका चल रहा है और उससे बचने के लिए आपको जो है शनि मंदिर में जरूर जाना है। शनि मंदिर में जा करके शनिदेव की मूर्ति पर तेल टच करना है फूल से, तो आपके शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। और इसके साथ में जो है क्या करना होगा आपको, महा उपाय, यानी कोई कष्ट आपके शरीर से संबंधित कष्ट, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित कष्ट, संतान नहीं हो रही है उसके लिए कष्ट, और यदि आपको जो है नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए आपको दिक्कत आ रही है, आप जो है बहुत परिश्रम कर रहे हैं करियर नहीं बन पा रहा है, आप जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी शादी विवाह आपके नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई का बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आपकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव है कर्मफलदाता, तो उसके लिए आपने जो है ओम प्राण प्रीम प्रौंग सनिश्चराय नमः का जाप जरूर करना है, एक माला ये अपने जीवन में आप उतार लीजिए कि आपने 10 मिनट 15 मिनट पूजा में जरूर देने हैं और एक माला शनि का जाप जरूर करना है। और इसके साथ में शनि चालीसा आप लोग जरूर पढ़ें और शिव मंदिर जरूर जाएँ। शिव मंदिर में जा करके जो है आप शिवलिंग पर जो है, अगर रोज़ नहीं जा सकते हैं तो हर सोमवार को जाएं और शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं, और इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें, तो आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप जो भी कार्य सोच रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, आप आगे भी बढ़ोगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और अपनी कुंडली का यदि आप जो है मेरे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप जो है चैनल में फ्लैश हो रहे नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा किस तरीके से आपकी चल रही है, उसके लिए क्या उपाय आपने करना है, वो भी आप जरूर जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, मेरा फेसबुक पेज AstroRB और इंस्टाग्राम पेज आचार्य राम मिश्रा, ये आप जो है लाइक करें और फॉलो जरूर करें। तो कैसी लगी साथियों आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। राधे राधे।